बच्चों की नकसीर फूटने के मौजब आमतौर पर यह माना जाता है कि नकसीर फूटने या नाक से खून बहने का सबब गर्मी या ब्लड प्रेशर है। मेडिकल में नकसीर फूटने का सबब बच्चों की नाक के अंदर खून ले जाने वाली नसों का कमजोर पड़ जाना है। इस रोग से पीड़ित बच्चों की नाक नसें फूट जाती हैं और जरा सी चोट लगने से उनके खून बहने लगता है। डॉक्टर सज्जनों का कहना है कि नकसीर फूटे रोग गर्मी कुछ ज्यादा सामने आता है। नकसीर की बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन अक्सर देखा यह गया है कि गर्मियों के दौरान बच्चों में उपचार के बाद भी यह सिंड्रोम लौट आता है। बच्चों की नकसीर फूटने के मामले में अक्सर प्राथमिक चिकित्सा के बाद बच्चे को विदा कर दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों का रोग खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बार बार नकसीर फूटने के मामले में बच्चे एंटीरियर नोज एंड थ्रोट विशेषज्ञ विस्तृत निरीक्षण करवा लें, क्योंकि ऐसे बच्चों को स्थायी और समृद्ध इलाज की आवश्यकता है, अन्यथा भविष्य में उन्हें एनीमिया या सांस रोग मुद्रा होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये भी संभव है कि बच्चे दोहराया नकसीर फूटने के कारण उसके सिर, गर्दन या फिर नाक कोई समस्या हो। बच्चों की नकसीर फूटने के कारण सिर या नाक पर चोट लगना या फ्रैक्चर भी हो सकता है, या फिर बच्चों की आदत होती है वे नाक में बार बार उंगली डालते रहते हैं, जिसके कारण नाक में घाव और सूजन हो सकती है। अक्सर सांस पीड़ा पीड़ित बच्चों को नाक में किए जाने वाले छिड़काव के कारण नाक में जलन सूजन होती है। बच्चे नाक रगड़ते हैं जिससे केशिकाओं या नसें प्रभावित होती हैं और नाक से खून बहने के लक्षणों पैदा हो जाता है। नकसीर फूटने के कारण नाक की हड्डी में कोई समस्या हो सकता है। इसके अलावा एलर्जी भी बच्चों की नाक में संक्रमण हो जाता है। नकसीर फूटने से प्रभावित बच्चे कम होते हैं, लेकिन जिन बच्चों को यह सिंड्रोम होता है उनके माता पिता को खुद भी ध्यान देना चाहिए और बच्चे भी ट्रैकिंग प्रदान करनी चाहिए। आमतौर पर जब बच्चे की नकसीर फूटनी है तो माँ उनके सिर पर ठंडे पानी डालती हैं और उसका सिर ऊंचा करके लिपटा देती हैं, ताकि खून बहने की प्रक्रिया तत्काल रुक जाए। नकसीर फूटने से बचाव और इलाज के लिए देसी तरीके भी आजमाए जाते हैं, जो इसी अवसर पर खून का बहना रोक सकते हैं। जैसे बच्चे के दोनों हाथ और सिर ऊपर को लें और सिर, गर्दन और मुंह पर सादे या ठंडे पानी के छींटे दें और माथे पर भी पानी डालें। इसके साथ बच्चे को सादे पानी में जरा सा नमक घोलकर पिलाएं और सिर ऊंचा करके 10 से 15 मिनट तक के लिए लिटा दें। नकसीर फूटने के तुरंत बाद नीम के पत्ते या अजवाइन पीसकर सिर में लगाना भी खासा उपयोगी साबित होता है।